नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। अगले महीने यानी कि नवंबर महीने में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान जो है वो 13 को होगा, दूसरे चरण का मतदान जो है वो 20 को होगा और नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को जो हैं वो आएंगे। इस वीडियो में हम आपको बड़ी डेवलपमेंट बता रहे हैं चतरा विधानसभा से, जहाँ पर खबर ये कि चतरा से इस बार सत्यानंद भोक्ता जो हैं वो आरजेडी के उम्मीदवार नहीं होंगे। जी हाँ, झारखंड सरकार में श्रम संसाधन मंत्री और आरजेडी कोटे से इकलौते झारखंड में मंत्री हैं मौजूदा वक्त में सत्यानंद भोक्ता, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। बड़ी खबर है कि सत्यानंद भोक्ता जो है वो चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे। तीन टर्म जो है वो विधायक रहे हैं सत्यानंद भोक्ता चतरा सीट से और ये उनकी मजबूत सीट थी और इस बार भी कहा जा रहा था कि वही चुनाव लड़ेंगे, इकलौते विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमारे पास खबर ये कि सत्यानंद भोक्ता जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। आरजेडी या कहें कि लालू और तेजस्वी की पार्टी जो है इस बार सत्यानंद भोक्ता को उम्मीदवार नहीं बनाने जा रही है चतरा विधानसभा से। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आरजेडी जो है अपने सबसे ताकतवर नेता जो कि झारखंड में है सत्यानंद भोक्ता, उससे उम्मीदवार जो है वो इस बार नहीं बनाने जा रही? तो विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अभी ये बता दें कि कौन लड़ने जा रहा है आरजेडी के टिकट पर जो है वो चतरा से चुनाव, और कहें कि एनडीए खेमे में क्या हो रहा है हलचल चतरा में। तो आपको बता दें कि चतरा में आरजेडी की तरफ से जो है वो चुनाव लड़ेंगी सत्यानंद भोक्ता की बहू जो है वो इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हाल की ही तस्वीरें हैं जब पटना आई थी सत्यानंद भोक्ता की बहू तेजस्वी यादव से मिलने के लिए और उन्होंने लालू यादव से भी जो है वो मुलाकात की थी। तो ये जो महिला आपको दिख रही है वो सत्यानंद भोक्ता की बहू हैं और आरजेडी जो है इस बार चतरा से इन्हीं ही उम्मीदवार जो है वो बनाने जा रही है। और पटना जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि 18 या 19 तारीख को जो है सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश जो है वो पटना आएंगी और लालू प्रसाद यादव के हाथों से जो है वो पार्टी का सिंबल लेंगी और उसके बाद 24 अक्टूबर को जो है वो नामांकन दाखिल करेंगी चतरा में चुनाव के मद्देनज़र। और 25 नवंबर जो है आखिरी तारीख है चुनाव के नामांकन की। तो रश्मि प्रकाश जो हैं आरजेडी की उम्मीदवार होने जा रही हैं चतरा से। और तो उस साइड दूसरे खेमे में क्या चल रहा है, अभी एनडीए खेमे में क्या चल रहा है? देखिए, एनडीए में कल बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई और उसके बाद कहा जा रहा है कि कभी भी जो है वो बीजेपी की तरफ से जो है वो ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, यानी कि जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगा। जेडीयू को जो है वो लगभग तय है कि 2 सीट जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन जेडीयू चाहती है कि 3 सीट दिया जाए। 1 सीट जो है उन्हें महतो उम्मीदवार के लिए चाहिए, खीरो महतो के बेटे के लिए, इससे थोड़ी सी जिच बाकी है। चिराग पासवान चूंकि फॉरेन में है, आज देर रात जो है वो पहुंचेंगे दिल्ली। उसके बाद चिराग पासवान को भी कहा जा रहा है कि 1 सीट जो है वो देने को राजी हो गई है बीजेपी। मामला थोड़ा हम पार्टी को लेकर जो है वो थोड़ा सा फंसता जा रहा है और है कि जीतम राम मांझी पहले भी इशारा कर चुके हैं कि वो चतरा में चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, गया से सटा हुआ इलाका माना जाता है, गया से सांसद हैं जीतन राम मांझी और चतरा ज़्यादा दूर नहीं है गया से, और जीतन राम मांझी इशारा कर चुके हैं कि वो चतरा लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी जो है या कहें कि चिराग के आने का इंतज़ार हो रहा है, उसके बाद ऐलान होगा कि चतरा सीट बीजेपी खुद अपने पास रखती है कि अपने सहयोगी पार्टी को देने को राजी हो सकती है। और प्रबल दावेदार एनडीए में अगर कोई है चतरा सीट के लिए तो इस बार जीतम राम मांझी की पार्टी जो है वो है, लेकिन सवाल ये कि क्या वो एनडीए का हिस्सा होंगे? अगर होंगे तो 1 सीट मिलेगी हम पार्टी को, तो वो मिलेगी चतरा, ये लगभग आप ये तय जानिए। तो अभी क्लियर नहीं है क्या होने जा रहा है एनडीए में। 2-3 पॉइंट्स हैं एनडीए में, ये हो सकता है कि या तो फिर हम पार्टी को भी बीजेपी वाले शामिल कर ले, अगर शामिल करते हैं तो 1 सीट दी जाएगी, वो है चतरा। और अगर ये बात करें तो पूर्व में क्या हुआ है चतरा विधानसभा में, तो पूर्व में अगर कहें कि जब से यहाँ पर चुनाव हुए हैं चतरा में 2005 से ही अगर बात करें कि झारखंड बनने के बाद, तो यहाँ पर टक्कर जो है वो सीधी जो है वो आरजेडी और बीजेपी के बीच में जो है वो रहा है। 2019 में या कहें कि बीते विधानसभा चुनाव में सत्यानंद भोक्ता ने बीजेपी के जनार्दन पासवान को 24,000
49 वोटों से जो है हराया था, यानी कि 24,000 से अगर कोई उम्मीदवार जीतता है विधानसभा में तो आप इसे कह सकते हैं कि बड़ी मार्जिन से जीत जो है वो बीते विधानसभा चुनाव में चतरा से सत्यानंद भोक्ता को जो है जीते थे सत्यानंद भोक्ता। इस बार सत्यानंद भोक्ता तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी बहू लड़ेंगी। तस्वीरें भी मैं आपको स्क्रीन पर चला रहे हैं और प्रचार करते हुए भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन भी करती हुई नजर आ रही हैं। रश्मि प्रकाश आरजेडी की नेत्री हैं और काफ़ी सक्रिय तौर पर इलाके में काम जो है वो करती रही हैं। और फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।